हे गाइस, दिस इज आसिफ। आज के वीडियो में मोबाइल कैमरा का तीन कमाल का ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी इस तरह के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला ट्रिक, जब भी आप सेल्फी कैमरा से फोटोज खींचते हो तो टी शर्ट पे लिखा हुआ या फिर बैकग्राउंड पे लिखा हुआ सब कुछ आपको उल्टा दिखाई देता है। फोटो खींचते वक्त तो सीधा दिखता है लेकिन खींचने के बाद उल्टा हो जाता है। लेकिन इसे सीधा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले सेल्फी कैमरा ऑन कर देना है और कैमरा सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगा मिरर्ड फोटो। कुछ स्मार्टफोन्स में आपको फ्लिप्ड फोटो नाम से भी सेटिंग्स मिलता है, तो उस सेटिंग्स को ऑफ करना है। यहाँ पे ऑन रहता है तो ऑफ कर देना है। उसके बाद सेल्फी कैमरा से जो भी फोटोस आप खींचेंगे तो टी शर्ट पे जो लिखा हुआ या फिर बैकग्राउंड पे लिखा हुआ सब कुछ आपको सीधा दिखेगा। अगला ट्रिक, यदि आपको किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है या फिर किसी भी एक बर्ड या फिर कोई भी एनिमल के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। उसके अलावा आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई भी फोटोज़ का टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट अगर इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपका सबका स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन होता है गूगल का, गूगल फोटोज़। उस एप्लीकेशन को ओपन कर दें। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का अपडेट करना है प्ले स्टोर में जाके। उसके बाद इस ऐप के अंदर फोटोज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है गूगल लेंस का, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी फ़ोटो आपने सेलेक्ट किया पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, आपको कहाँ से परचेस करने को मिलेगा, सब यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बर्ड का फ़ोटो भी सेलेक्ट कर दिया, गूगल लेंस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तुरंत ये कौन सा कैटेगरी का बर्ड है यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं गूगल फोटोज़ के ज़रिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। इस फोटो के अंदर का टेक्स्ट कैसे कॉपी कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं। गूगल लेंस ऑप्शन सबसे पहले क्लिक करने के बाद जो भी पार्ट आपको कॉपी करना है जस्ट आपको टैप करके होल्ड करना है और सेलेक्ट करके नीचे कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा पूरा जो भी टेक्स्ट इसके अंदर है सब आपको कॉपी करना है, तो यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक करके टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन में जाना है और कॉपी कर सकते हैं पूरा टेक्स्ट। उसके अलावा यहाँ पर दोबारा इस ऑप्शन में जाकर अगर पूरा टेक्स्ट इंग्लिश वाली टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसलेट वाला बटन में क्लिक करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मलयालम भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ है, आप अगर आप चाहते हैं तो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऊपर ऑप्शन मिल जाता है आपको भाषा चेंज करने का, चेंज कर सकते हैं हिंदी मराठी कोई भी लैंग्वेज में आप डाल सकते हैं। कमाल का ट्रिक है, आप ट्राई करके देखिए। अगला ट्रिक, मूविंग फोटोज़ कैसे क्लिक कर सकते हैं। आप जब भी मूविंग फ़ोटोज़ क्लिक करने जाते हैं तो पूरा सीन्स आपको नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे शटर बटन में क्लिक करके होल्ड करके रखना है थोड़ी देर, तो पूरा 20 फ़ोटो एक साथ क्लिक करके आपको मिल जाएगा, पूरा सीन आप क्लिक कर सकते हैं। तो मूविंग फ़ोटो इस तरह आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर बर्स्ट नाम का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे टैप करके पूरा 20 फ़ोटोज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको हर सीन शूट कर सकते हैं इस तरह। तो आज का कमाल का तीन ट्रिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना सभी खास दोस्तों को भी शेयर करना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर दबाना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।